बंधुगण आजर समय दातरे पोक लगे एक साधारण समस्या हो गला। दस जन तीन जन को निहाती यही समस्या थी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कारण आमको एमती समस्या भोगवाक पड़ता है। दातरे पोक लगे द्वारा दातरे एवं माढ़ी में बहुत अधिक जंत्रणा होता है। दातरे एनामेल नष्ट द्वारा दात कणा हो जाए। यह कंडीशन को आम दातरे पोक लगे साधारणतः कैविटी प्रॉब्लम कहा जाए। एमती परिस्थित आपण को डेंटिस्ट को परामर्श ने आवश्यक। ताछड़ा जदि आप किसी घर उपचार ट्राए करेंगे तेज आपण यह समस्या तुरंत आराम पाइबे। एम चैनल आगर अनेक वीडियो अपलोड हो रही अच्छी आपड़ चाहिए देखिपारे। आज मुण सहित एमती एक सहज घर उपचार सेयार करी जार प्रयोग कर आपण निजर दातर कष्ट कैविटी भाई समस्या को दूर करें। घरे अति सहजरे मिलुथिबा दुईटी सामग्री सहायता रे मु आपनकु एही रेमेडी बनाइबा सिखाइबि। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत निहाते देखंतु। ताहा पूर्वर एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसथिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एथिपई आपनकु प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहाटे रसुण जहां आपनकु आपनकर रोसेई घरु बहुत सहजरे मिलिजिबा। रसुण आयुर्वेदिक गुण से भरपूर अटे। रसुण से एंटीबैक्टीरियल गुण मिलता है। जब आम यह कौन रेमेडी प्रयोग करेब यह चमत्कारी फायदा देखाए। जब आम मुहरे बैक्टीरिया भरी जाए तेज खाद्यकणिका लाल सहित मिसी एक परस्त बनई दिए जहाक आम प्लाक कही था। प्लाक आम दात बसी जाए। तापर धीरे धीरे आम दातर बाह्य परस्त पतला हो जाए एवं आम दातरे गाढ़ा हुई आमको बहुत अधिक जंत्रणा भोगवाक पड़ता है। से दिनक दुई थर निहाती ब्रश करूँ। रसुण दात उपर प्लाक हटाइबारे काम करें। प्रथम आपण गोटे रसुणर समस्त पाखुड़ चोपा काढ़ी दिंतु। तापर आप चाहिए यह ग्राइंडिंग करें नपर बाटी प्रस्तुत करें। रसुण को भल भाव बाटी तहार एक पेस्ट प्रस्तुत करूँ। देखु मुझक भल भाव बाटिदेली। एबे आपण यहाँ एक पात्र को काढ़ी दिंतु। एबे आपण एथिरे 1/4 स्पून हलदी गुंड मिसातु। हलदी दातर क्याविटी को कमाइबारे काम करिथाय। हलदी रे मध्य विभिन्न प्रकार आयुर्वेदिक गुण मिलिथाय जहां आम दातबिंधा को दूर करने सहित दात एवं पाटी संबंधित अनेक समस्या को ठीक करिथाय। एबे एही दुईटी सामग्री को आपण भल भाव मिक्स कर दिंतु। एबे आम एथिरे आउ एक सामग्री प्रयोग करिबा जहां एक रेमेडी क्वालिटी को आहुरी अधिक बढ़ईदेव। एवं आपण एथिरे 5-6 बुंदा सोरस तेल मिसातु। एवं आपण यह समस्त जिनिषकु भल भाव मिक्स कर दिंतु। सोरस तेल मध्य आपणकर दातबिंधा एवं पाटी संबंधित अनेक समस्या को ठीक करने बहुत अधिक लाभदायक होता है। एवं आमर एक रेमेडी बनी प्रस्तुत। यह आंटी माइक्रोबियन एवं आंटी इनफ्लामेटरी गुण से भरपूर अटे। एवं जाणने आज रेमेडी को आम किपर प्रयोग करवा। प्रथम आपण एक तुला नियंतु एवं से आपण यही मिश्रण अल्प नहीं रखु। एवं जो जगार आपणकर क्याविटी भाई समस्या अच्छी जो जगार आपणकर दातरे पोक लगे अच्छी से ही जगार आपण यह लगे दिंतु। 8-10 मिनिट पर्यंत आपण यह दातरे लग रहा दिंतु। आपण चाहिए यह अधिक समय पर्यंत रखिपारे। यह लगे जदि आपणकर पाटीर छिप बाहर ताहले आपण ताहाको फिंगी दिंतु। एहिपरि आपण यहाँ 10-15 दिन निहाती ट्राए कर देखंतु। दिनक दुई थर आपण यहाँ प्रयोग करिपारिबे। जदि आपणकर माढ़ी बिंदु अछि तेबे आपण एही पेस्ट नै आपणकर माढ़ी रे मसाज करिपारिबे। यहाँ प्रयोग कर देखंतु। देखिबा आपणकर दातबिंधा तुरंत भल होइजिबो। ता सहित आपणकर क्याविटी भली समस्या सबुदिन पई दूर होइजिबो। यह तुला को 10 मिनिट पर काढ़ी साधारण पानी रे कुली कर दिंतु। यह आपण प्रतिदिन प्रयोग करने द्वारा दातरे पोक लगे भाई समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो रेमेडी को थरे ट्राए कर देखु एवं भिडटी को जिते संभव सेयार करूँ। भिडियो को गोटे लाइक करूँ। धन्यवाद।